नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिव्य महामंजिष्ठादि क्वाथ के बारे में। इसके फायदे जानेंगे, इस्तेमाल करने का तरीका जानेंगे और कब तक इसको इस्तेमाल करना चाहिए ये भी इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में जो घंटी वाला निशान है उसे ऑल पे टच कर दीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों, ये आता है पतंजलि का, यानी कि दिव्य कंपनी का, पतंजलि वालों का ही है और इसका नाम है महामंजिष्ठादि क्वाथ। तो सबसे पहले इसके जो कॉम्पोजिशन है वो देख लेते हैं। मंजिष्ठा है इसमें और नागर मोथा है, तो काफ़ी लंबी लिस्ट है जैसा कि आप देख सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके अगर आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, ठीक है, और अगर मैं पढ़ूंगा तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इस पे MRP है 70 रुपये और ये 2018 का है, मेरे पास काफ़ी पुराना पड़ा था तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना देते हैं इसका। तो चलिए बात कर लेते हैं इसके यूजर्स की, किस काम में इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, इसका उपयोग खून को साफ़ करने के लिए किया जाता है, जैसे कि खून में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कोई इन्फेक्शन हो गई है, उसको ये ठीक करता है और उसकी वजह से चर्म रोग हो जाता है उसको भी ये ठीक करता है, जैसे कि स्किन का इन्फेक्शन, एक्जिमा, दाद खाज खुजली है अगर किसी को, सोरासिस की प्रॉब्लम है, फोड़ा फिंसी बार बार हो रहे हैं, या फिर चेहरे पे छोटे छोटे दाने हैं, दाग है, या फिर कील मुहासों की प्रॉब्लम हो रही है किसी को, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, किसी को भी है, और एलर्जी की प्रॉब्लम है, या फिर खुजलीदार लाल चकत्ते हो रहे हैं, पेट में कब्ज़ बनती है, एलर्जी होती है बार बार, शरीर में खुजली होती है, दाने निकलते हैं, तो उस कंडीशन में इसको दिया जाता है पेशेंट को। और जिसकी डोज होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस पे भी लिखा हुआ है, डोज के बारे में भी लिखा है और इंडिकेशन भी लिखे हुए हैं कि ये जो यूज़फुल इन ऑल टाइप्स स्किन डिसीज़, ये हर प्रकार के चर्म रोगों को ठीक करने में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी डोज, जो डोज होती है वो होती है 15 से 30 ml, ठीक है। तो ml तो आपने जो चम्मच होते हैं, अगर 15 ml पीना है, अगर डॉक्टर ने 15 ml बताया है तो जो चम्मच होता है 5 ml का होता है, तो 3 चम्मच हो गया, ठीक है, और उसको उतने ही पानी में मिक्स करना है जितना कि आपकी दवाई होगी। अगर 30 ml दवाई है, ये दवाई है, तो 30 ml ही आपने पानी डालना है, ठीक है, मिक्स करके आपने पी लेना है, खाना खाने के बाद पीना है, ठीक है, खाली पेट नहीं पीना है बिल्कुल भी। तो खाना खाने के बाद ही आपने देखा, जैसा कि इस पे देख सकते हैं आप, आफ्टर मील्स, ठीक है, खाना खाने के बाद आपने पी लेना है, उतनी दवाई उतना पानी मिक्स करके पी जाना है खाने खाने के बाद, ट्वाइस अ डे, मतलब सुबह और शाम को, ठीक है, सुबह शाम सुबह शाम। तो इन दोनों का इसका इस्तेमाल लगातार किया जाता है, 3 से 4 महीने तक बोल सकते हैं डॉक्टर, ठीक है। तो इसके साथ में और भी दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे कि खादी ररिस्ट हो गया, या फिर जो स्किन डिसीज़ की जो टैबलेट होती हैं इन्हीं की आती हैं, तो उसको भी दिया जाता है साथ में, ग्लोय टैबलेट हो सकती है, और भी बहुत सारी टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल आते हैं पतंजलि वालों के। तो सभी प्रकार के चर्म रोगों के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो एक बार डॉक्टर को दिखा के ही आपने इस्तेमाल करना है, अपनी मर्जी से नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।